और चलिए खबर इस वक्त आपको बता दें भोपाल से आ रही है, जहां नए एडिशनल सीपी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। नए एडिशनल सीपी सचिन अतुलकर ने पदभार ग्रहण किया है। 2007 बैच के आईपीएस है सचिन अतुलकर। महिला अपराध और साइबर क्राइम रोकना अपनी प्राथमिकता बताया है। नए एडिशनल सीपी ने पदभार ग्रहण किया है। नए एडिशनल सीपी सचिन अतुलकर ने पदभार ग्रहण कर लिया है। महिला अपराध और साइबर क्राइम रोकना उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं में बताया है। भोपाल एडिशनल सीपी कमान सचिन अतुल सर ने संभाली हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद। सर बहुत बहुत बधाई जनादि टीवी की तरफ से आपको। किस तरह की प्राथमिकताएं रखेंगी, क्या कुछ चैलेंज सर? प्राथमिकताएं जो हैं पुलिस की वही होती हैं जो शासन की और पुलिस मुख्यालय के निर्देश होते हैं। भोपाल के संबंध में जो जो भी चैलेंजेस पुलिस के सामने आते हैं, जो क्राइम का बदलता परिवेश है और जिस प्रकार के अब शहरी क्षेत्र में क्राइम बढ़ रहे हैं, उसी में फोकस रहता है। वही मेरा भी प्रयास रहेगा कि एक टीम के रूप में जो है पूरी पुलिस हमारी कार्य करें और जनता के लिए एक सुरक्षित वातावरण बना पाए। साइबर अपराध बहुत बड़ी चुनौती है, हजारों एडवाइजरी जारी होती है, उसके बाद भी लोग शिकार होते हैं। इसके लिए कुछ अभियान चलाया जाएगा, कुछ नई? देखिए, साइबर अपराध में के दो पहलू हैं। एक तो ये कि जो हमारे नागरिक हैं वो अवेयर रहें कि किस प्रकार से ये क्राइम हो सकता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति जो है सामने नहीं होता, एनोनिमस होता है। दूसरा पहलू ये है कि जो क्राइम होता है उसको ट्रेस करने में, पकड़ने में पुलिस कितनी परिपक्व है, क्या उसका टेक्नोलॉजी का ज्ञान है। तो आप देखते हैं पब्लिक में अवेयरनेस इसलिए बढ़ रहा है, कोविड के समय में भी सब ऑनलाइन ही बहुत सारा कार्य हुआ है, तो पब्लिक को भी अब जानकारी है किस प्रकार से क्राइम होते हैं। लेकिन क्राइम का पैटर्न भी अब बदलता रहता है, जैसे पब्लिक को जानकारी बढ़ती है तो क्रिमिनल अपना पैटर्न बदल लेता है। पुलिस के सामने भी ये चैलेंज है। पुलिस लगातार ट्रेनिंग सेमिनार्स बहुत बड़े स्तर पे होते हैं, एक्सपर्ट्स को पुलिस साथ में लेती है और पुलिसकर्मी स्वयं भी आप देखेंगे जो हमारे नए साइबर में डील करने वाले अधिकारी हों, आरक्षक हों, उनके पास भी काफ़ी जानकारी रहती है। लेकिन एक ऐसा चैलेंज है जो लगातार चलता रहता है, इसमें कोई स्थायी इसका सलूशन नहीं है। जो भी चैलेंज आए उसको साइबर के उस क्राइम को सीखना, उसको किस प्रकार ट्रेस करना है वो ज्ञान होना, उसको ट्रेनिंग में लेकर आना और साथ में जो फील्ड के अधिकारी हैं उसको इम्प्लीमेंट करें, तो ये लगातार एक प्रक्रिया है जो चलती रहनी चाहिए। और क्रिमिनल जो है अपना पुलिस से आगे ना निकल पाए, इसलिए भी हम लगातार प्रयासरत रहते हैं और क्राइम को ट्रेस करते हैं। जुडिशियल पावर अब पुलिस के पास है, कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, बात जो है पावर की नहीं है, पावर किसी के भी पास हो, बात है कि आप किस प्रकार जनता के हित की बात कर पाते हैं। कोई भी अधिकारी उसका उपयोग करे, कोई भी सिस्टम करे, कोई भी विभाग करे, अल्टीमेटली जो जनता है उसके लिए हम क्या बेहतर कर पाते हैं ये मायने रखता है। यहाँ पर भी ये पावर देने वाली बात नहीं है, यहाँ पर भी उपयोगी ये होता कि पुलिस को ही दिया जाए, इस कारण ये सिस्टम लाया गया है और इसमें सभी का ये प्रयास रहेगा कि पब्लिक के लिए, जनता के लिए हम और क्या बेहतर कर पाए, क्राइम किस प्रकार कम कर पाए, सुरक्षित वातावरण कैसे बना पाए, ये है इसका मुख्य उद्देश्य। ये थे सचिन अतुलकर, जिनका कहना है साइबर को अपराध रोकने के लिए लगातार अभियान चलाए जाएंगे और लोगों के साथ जो धोखाधड़ी होती है उसको रोकने के लिए तमाम जागरूकता अभियान चलाएंगे ताकि लोग धोखाधड़ी का शिकार ना हो। कैमरामैन रेहान के साथ रिजवान खान, अनादि टीवी।